जी हाँ, नामुमकिन हो गया, बल्कि मुश्किल तो अलग बात है लेकिन नामुमकिन होता गया। बस दूर से देख के जाते हैं, पूछ के रेट, फिर दोबारा इस तरफ आने का कोशिश भी नहीं करते। तो कुछ ये अखरोट वगैरह सस्ते हैं, चलो बच्चों का गुजारा हो जाता है, कुछ ले जाते हैं। अभी मार्केट के अंदर इन हुए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद ले रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं कि मार्केट है क्या। मुझे तो कराची और कोयटा की मार्केट ऑलमोस्ट सेम लग रही है, कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस एक ही है, चीज़ें फ़र्क है लेकिन प्राइस कराची में भी यही है। हाँ, या ये है, कराची वालों को देख लिया तो प्राइस बढ़ा दिया उन्होंने। ये और ड्राई फ्रूट के हवाले से तो वैसे ही मशहूर है ये जगह कोयटा। और दूसरी चीज़ ये महंगाई के बारे में, तो महंगाई तो हर चीज़ में हो गई है, वो आप आटे से लेके चीनी ले लें, ये तो खैर ये सौगाते हैं, ये तो खाते हैं लोग। और ये इस हवाले से कि सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से थोड़े से इसके रेट्स थोड़े से अप एंड डाउन होते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये ज़्यादा ले रहे हैं हमसे पैसे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये है कि प्रॉपर चीज़ हमें मिल जाती है यहाँ से, आने में हमें ये होता है। ड्राई फ्रूट जो है सर्दियों में इजाफा होता है, वो इस वजह से होता है कि बॉर्डर के लिहाज से वहाँ पे जो टैक्स कम, वही टैक्स के लिहाज से वो बढ़ जाता है। मिसाल के तौर बादाम है, चलगोज़ा है, पिस्ता, काजू, जो बाहर की चीज़ है वो ज़्यादा महंगा हो जाता है। जो बलूचिस्तान का अपना सौगात है वो फिर भी बाहर से जो कुछ सस्ता पड़ता है। मिसाल के तौर पर काजू है वो लोगों की वजह से बाहर है, पंजाब के लोग या कराची जो जहाँ से भी आते हैं वो पूछने आते हैं, वो जब पूछ जाते हैं वो घबरा जाते हैं कि रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। तो इस वजह से जो बलूचिस्तान का जो सौगात है वो सस्ता है। मिसाल के तौर बादाम है वो 1000 रुपये पे, इसी तरह काजू है वो इसी तरह, चलगोज़ा है वो बाहर जा रहे हो महंगा है 8000-9000 इसी तरह। तो जब वो रेट पूछ जाते हैं वो घबरा जाते हैं, जहर बात है। तो उसके लेने के जो लेने के लिए आया था वो उसके वजह से बाहर हो जाता है, सिर्फ वो पूछ लेते हैं बस, उसके बाद से बाहर हो जाता है। अगर किलो ले जाता है फिर वो पाव भी आ जाता है इसी तरह। आपको खुद ही पता है जब महंगा होता है जहर बात है उसका डिमांड कम होता है।